गला मंडियों में गंदम की कीमतें बुलंद, चक्की आटा एक मरतबा फिर महंगा हो गया। लाहौर आटा चक्की ऑर्डर एसोसिएशन ने आटे के दाम 3 रुपए बढ़ा दिए। फी किलो आटे की कीमत 85 से बढ़ाकर 88 रुपए तक जा पहुंची। रोटी की मुमकिन कीमत 12, नान 18, गरीब गया मारा। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने भी रोटी नान की कीमत बढ़ाने का इशारा दे दिया। सदर एसोसिएशन कहते हैं आटे की कीमत में इजाफे के बाद हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं। दाल जेडी निब्बे नाल का मुहावरा हुआ पुराना। नए पाकिस्तान में दालें भी गरीबों का साथ छोड़ गईं। ब्रॉयलर की कीमत में भी 7 रुपए फी किलो इजाफा। शहरी महंगाई के सुनामी के सामने बेबस। रहनुमा पीटीआई अब्दुल अलीम खान का बतौर सीनियर वजीर पंजाब इस्तीफा मंजूर। बाकायदा नोटिफिकेशन जारी। अब्दुल अलीम खान ने कुछ अर्से पहले अपने ओहदे से इस्तीफा दिया था। सदर ममलकत ने पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल ऑर्डिनेंस पास कर दिया। ऑर्डिनेंस नाफिज होते ही मौजूदा नर्सिंग काउंसिल खत्म हो जाएगी। डीजी हेल्थ को नर्सिंग काउंसिल का एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किया जाएगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेरे सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी एंड मॉनिटरिंग बोर्ड का इजलास। वाटर मीटर्स की खरीदारी, तनसीब और फाइनेंशियल बिट्स की मंजूरी। इस बाजार के बिट्स के हवाले से तमाम कायद व ज़वाबत मद्देनजर रखने की हिदायत। शहर में जहरीली धुंध का रास, सांस लेना भी हुआ मुहाल। बाकू का शहर दुनिया के आलूदा शहरों में फिर पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 254 रिकॉर्ड। मजंग आलूदा तरीन इलाका करार। डेंगू मच्छर के वार जारी। 24 घंटे में लाहौर से डेंगू के 27 मरीज रिपोर्ट। एक शख्स जान की बाजी हार गया। इंतजामिया की शहरियों से एहतियाती तदाबीर पर अमल की अपील। कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का लॉरेंस ट्रॉफ का दौरा। इंसदादी डेंगू पर मामूल टीमों के सर्वेलियंस को चेक किया। शहरियों से डेंगू टीमों से तआवुन की अपील। कोरोना के हमले थम न सके। सुबह भर से कोरोना के 50 नए केसेस सामने आ गए। 2 अफराद जान की बाजी हार गए। शहर में मजीद 27 अफराद मूजी वायरस में मुब्तला। पंजाब में 60% लोगों को वैक्सीन लग चुकी। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का तकरीब से खिताब। बोलिंग कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में चाइना ने बहुत साथ दिया। पाक चीन दोस्ती एक मिसाल है। पहले वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक करो फिर मुसाफिर बैठाओ। जिला इंतजामिया के बाबू साबू टूल प्लाजे पर गाड़ियों की चेकिंग। कोरोना एसओपीज पर अमल ना करने पर 9 गाड़ियां बंद। 70 से 1000 के जुर्माने। जुडिशल अकेडमी में प्री सर्विस ट्रेनिंग का अख्तितामी सेशन। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी का खिताब। कहते हैं जजिस को फैसला करते हुए हमेशा आइन को मलहूसे खातिर रखना चाहिए। वजीर आला पंजाब उस्मान बाजार का सीएम ऑफिस का अचानक दौरा। मुख्तलिफ दफातर में अफसरान और स्टाफ की हाजिरी चेक की। उस्मान बाजार की जरिए तबाह समरियां जल्द निपटाने की हिदायत। इखलाकी बस्ती का ये हाल है कि करप्शन में पकड़े जाने वालों पर फूल निछावर किए जाते हैं। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल का नैब लाहौर के सैर तमाम तकरीब से खिताब। कहा करप्शन के इल्जाम पर फख्र करने की बजाय शर्मिंदा होना चाहिए। बल्दियाती इदारों को मौतली के 24 माह मियाद में शामिल करने का मामला। हाईकोर्ट के मुतफरक दरख्वास्तों पर समाप्त। 15 दिसंबर तक फ्रिकेंस से जवाब तलब कर लिया।
आईजी पंजाब राव सरदार अली खान की तैनाती के खिलाफ दरखास्त पर समाप्त। हाईकोर्ट ने आईजी की तैनाती के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी, दरखास्त नाकाबिल समाप्त करार। जमानत मिलने के बाद गैर मुल्की हसीना की उड़ान की तैयारियां। ट्रेजा ने पासपोर्ट की सपरदारी के लिए अदालत से रजू कर लिया। हाईकोर्ट ने मनशा बरामदगी केस में ट्रेजा को बरी करने का हुक्म दिया था। सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी का कंप्रेसर इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ एक्शन। मुतअद्दिद सार्फीन के कनेक्शन मुनक़ता। कंप्रेसर के इस्तेमाल पर एक माह के लिए सार्फ का कनेक्शन मुनक़ता रखा जाएगा। लेस्को का लाइन स्टाफ बगैर बकेट क्रेन हाई वोल्टेज तारों पर काम करने पर मजबूर। लेस्को इंतजामिया स्टाफ को जरूरी सामान फराहम ना कर सकी। दो माह में जीएसओ के दो मुलाजमीन जान से हाथ धो बैठे हैं। हुकूमत कवानीन बना रही है, खवातीन को विरासत में हिस्सा ना मिलना एक बड़ा मसला है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसान खाबर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, सोशल मीडिया ने खवातीन को अपनी आवाज दूसरों तक पहुंचाने का मौका दिया। N133 का जमीनी इंतखाब शफाफ और पुरम हुआ। अमरीकी कौंसलेट जनरल का N133 के जमीनी इलेक्शन के हवाले से बयान। इलेक्शन ड्यूटी देने वाले रजाकारों और अमले की भी तारीफ। पंजाब असेंबली में रेस्क्यू डबल 122 के तआवुन से हंगामी सूरत हाल से निपटने की मशक। सायरन बजाया गया, आग बुझाने की भी मशक। मकसद हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए स्टाफ को आगाही देना है। लाहौर पुलिस के 50 एहलकारों के मकते विंग्स में तबादले। सब इंस्पेक्टर ASIs की सतह पर तब्दीलियां हुई। SSP एडमिन मुबशर मकीम की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। इंसानी स्मगलिंग के रोकथाम और चपरी मजदूरों के खात्मे का मिशन। SSTO ने पाकिस्तान में स्टेक होल्डर्स वर्किंग ग्रुप का आगाज कर दिया। स्टेक होल्डर्स वर्किंग ग्रुप में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान शामिल। अदालती हुक्म पर वन वे के खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन। 16 रोज में 41,413 चालान, जबकि 2 रोज में बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर 3,000 चालान टिकट कट गए। सिटी लाहौर मुंतजर मेहती का मकतर शाहराहों का विजिट। स्कूलों कॉलेजेस के बाहर ट्रैफिक के रवानी का जायजा लिया। मेन शाहराहों पर पार्क गाड़ियों को फौरी हटाने की हिदायत। महकमा मजहबी और क्लियरती अमूर खैबर पख्तूनख्वा के वफद का पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का दौरा। 46 रुकनी वफद में मुख्तलिफ मज़ाहिर तारुफ होने वाले नौजवान शामिल। मेहमानों को अथॉरिटी के वर्किंग बारे तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सुपीरियर यूनिवर्सिटी और एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन लाहौर चैप्टर 7-7 दोनों अदारों का तहकीक मार्केटिंग सेहत के शोबों तलबा उसातिज़ा की तरबियत के लिए मिलकर काम करने पर एतफाक वादे पर दस्तखत कर दिए। इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये था कि जो हमारा 3U1M प्रोग्राम है उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकती हैं। जैसे स्टार्टअप स्ट्रीम है, स्केल अप स्ट्रीम है, डिज़ाइन चैलेंज है, तो बच्चा जो है वो रियल टाइम ऑर्गेनाइजेशंस में कैसे काम कर सकता है। और रियल टाइम ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने के लिए डेफिनेटली इंडस्ट्री एकेडमिया जो लिंकेज है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। तो इसी ऑब्जेक्टिव को सामने रखते हुए आज का ये जो स्ट्रेटेजिक अलायंस किया गया है एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन के साथ सुपीरियर यूनिवर्सिटी का, तो मैं बहुत ज़्यादा होपफुल हूँ कि इससे जो है वो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी स्टूडेंट्स के लिए। सुपीरियर तलबा को अमली ज़िंदगी में कामयाब बनाने के लिए पुरासम रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमैरा रहमान का कहना है कि एंटरप्रेन्योरशिप को 3U1M प्रोग्राम के तहत फ़रोग दे रहे हैं। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप से एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशन लाहौर चैप्टर के वक्त की मुलाकात। अहम उमूर पर तबादला ख्याल।
सदर ईओ लाहौर मोहसिन ख्वाजा ने मेहमान नवासी पर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब से चेयरमैन पीसीबी रमेश राजा की मुलाकात। क्रिकेट के फ्रोग और ग्राउंड्स की तादाद बढ़ाने के लिए इकदाम पर इत्तेफाक। उस्मान बुज़ा कहते हैं हुकूमत देहात में खेलों के मैदान बना रही है। बागों के शहर में फूल खुशबू बिखेरने को तैयार। जिलानी पार्क में गुलदावती की नमाइश का इफ्तिताह आज होगा। रंग बिरंगे खूबसूरत फूलों ने पार्क की खूबसूरती मजीद बढ़ा दी। और उर्दू और पंजाबी फिल्मों में काम किया, खूब नाम कमाया। लॉलीवुड के अदाकार रानी के मदाह आज उनके 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। रानी को मदाहों से पिछड़े 28 बरस बीत चुके हैं।